नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी के बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नीतीश ने साफ तौर पर बीजेपी से रिश्ता नाता तोड़ने का बात कह दिया है। और आपको बताएंगे कि नीतीश कब रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी और जेडीयू में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जेडीयू के विधायक टूटने के बाद में लगातार नीतीश बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के बड़ी खबर है जो 5 मिनट के अंदर विस्तार से बताया जाएगा। वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार को न्योता भेजा, कहा कि जी हां, राज्य में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना करके केंद्र की राजनीति करें और मैं उनको प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करूंगा। तो इसको लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। राज्य में जी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और केंद्र में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने, बीजेपी के अमित शाह बड़े नेता है और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है जेडीयू के खिलाफ। कहा है कि जेडीयू के विधायकों को हमने तोड़ने का कार्य नहीं किया है। और जी हां, बंगाल के चुनाव में जेडीयू हमारी दुश्मन होगी, आमने सामने लड़ेंगे चुनाव। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बिहार के मौसम का हाल क्या है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, 50 वर्ष पूर्व ठंडी का रिकॉर्ड टूटेगा। इसको लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है जो 5 मिनट के अंदर विस्तार से बताया जाएगा। केजरीवाल ने किसानों को फ्री वाईफाई देने का बात कहा, कहा कि घर बात नहीं कर पा रहे थे, इंटरनेट का सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण, इसलिए फ्री वाईफाई मैंने दिया। और इसको लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की कंपनियों का विरोध प्रदर्शन जारी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, बिहार में नए साल में बिक रहा है धड़ल्ले से शराब। तो इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है, नए साल आते ही जश्न के माहौल में पूरा बिहार डूब गया है और उत्तर प्रदेश, झारखंड और समेत हरियाणा और पंजाब से शराब की बड़ी खेप बिहार के अंदर प्रवेश कर गई है। तो सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएं। उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 5000 लाइक जरूर कर देंगे। आइए बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर। नीतीश ने साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने साफ तौर पर कहा कि मैंने कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए सिफारिश नहीं की, मुझे जबरदस्ती बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। और आज जिस तरीके से मेरे हौसले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी मेरे विधायकों को बलगला करके अपने में शामिल कर रही है, इससे साफ तौर पे लगता है कि आने वाले समय में कुर्सी को टकमगाया जाएगा, आने वाले समय में बीजेपी जी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जेडीयू के बड़े नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि अस्तित्व को मिटने की जो बात कही जा रही है यह बिल्कुल भी नहीं होगा और मैं जल्दी से जल्दी कोई बड़ी राजनीतिक मुद्दा हो सकता है बिहार का, और जिसके बाद में बीजेपी से अलग हो जाएगा जेडीयू। जेडीयू एक बार आपको बता दे कि नीतीश कुमार बीजेपी के इशारों पर कार्य कर रहे थे। इसको लेकर लगातार खबरें भी मीडिया में चलती रही हैं कि बीजेपी के इशारों पर नीतीश कुमार अब कार्य कर रहे हैं क्योंकि अनुकंपित सरकार बन गए हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जंगल राज की वापसी हो गई है। तो बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए नीतीश कुमार किधर जाते हैं और किस किस सरकार बनाते हैं, इसको लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से जिया रिश्ता तोड़ने के बाद में जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता मजबूत हो सकता है। और आरजेडी ने कहा है कि बिहार में जिया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दीजिए और केंद्र में हम आपको प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर अब केंद्र की राजनीति करना शुरू करिए और प्रधानमंत्री का कुर्सी दगाबाजों के साथ दगाबाजी करना जरूरत है और दुश्मनों से लड़ाई करना भी मैदान के अंदर उतना ही जरूरी है जितना जरूरी बॉडी के लिए भोजन की जरूरत है। तो अब साफ तौर पे बीजेपी ने नाता रिश्ता तोड़ने का बात कहा था, जिसके बाद में आपको बता दे कि आरजेडी बड़ा बड़ा ऑफर दे चुकी है और नीतीश को अपने पालरे के अंदर, अपने आप के अंदर लाने की पूरी प्रयास जारी है। अब चाचा भतीजा का रिश्ता कितना ज्यादा सही हो पाएगा, क्या चाचा भतीजे के फेवर में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जी आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में नए साल के जश्न में डूब गए हैं लोग, शराब की बड़ी खेपों का खुलासा होने के बाद में। जी आपको बता दें कि बिहार में ये लगातार खुलासे पे खुलासा हो रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी के बाद में भी जी सरकारी अफसर जैसे कि पुलिस प्रशासन मिलकर शराब की बिक्री करवाता है और बिहार के
के अंदर नए साल के जश्न के लिए भारी खेप आया है और इस भारी खेप की खपत को करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कोई शिकंजा नहीं कसा गया है, जिसके बाद में सुशासन की सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ, क्या बिहार में एक बार फिर से शराब चालू होगा और बिहार में 20 करोड़ 25 करोड़ 40 करोड़ तक की शराब अंदर प्रवेश कर जाती है और थोड़ा भी अंदाजा नहीं चलता है, थोड़ा भी मालूम नहीं चलता है मुझे मुख्यमंत्री को। इसको लेकर भी पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि शराब गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाने के लिए बंद किया गया है, क्योंकि जो शराब 20 रुपए की मिलती थी आज वही शराब 110 115 और 150 रुपए की बोतल बिक रही है। गलत तरीकों से और अवैध तरीकों से शराब की प्रवेश करा दी जाती है बिहार के अंदर। एंट्री बोर्ड पे चेक नहीं किया जाता है, बॉर्डर के इलाकों पर कोई चेकिंग नहीं होती है, जिसके कारण शराब पीकर और शराब लेकर लोग बिहार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शराबबंदी की सरकार ढोंग कर रही है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के साथ नई सरकार जो बनी है यानी एनडीए की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। क्या आपके गांव आपके मोहल्ले में शराब बिकता है या नहीं बिकता है, इसकी कमेंट करके जानकारी जरूर दें। आपकी जानकारी के लिए पूरी खबर हम बता रहे हैं कि पूरी तरीके से कई करोड़ों का शराब बिहार के अंदर प्रवेश कर चुका है और शराब की बिक्री धड़ल्ले से चालू है। आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर जो अभी अभी आरजेडी की ओर से आ रहा है, जहां आरजेडी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से न्योता भिजवा दिया है। कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जीवन विलय हो रही है और जेडीयू बहुत जल्दी विलय कर जाएगा बीजेपी के अंदर, इसलिए अस्तित्व को ना मिटने देने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और बिहार की और केंद्र की राजनीति करने के लिए नीतीश बाबू को यह जरूरत है कि वो आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दे दें। हम उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कराएंगे, केंद्र की राजनीति कराएंगे और छोटे मोटे पार्टियों से मिलकर, जो राज्य की पार्टियां हैं उनसे मिलकर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नीतीश को, आपको बता दें कि केंद्र की राजनीति यानी साफ तौर पे मोदी को चैलेंज वो करें और प्रधानमंत्री की कुर्सी गर्म करने का कार्य करें। यह बेहद बड़ा ऑफर है नीतीश बाबू के लिए, लेकिन नीतीश क्या इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी की ओर से ऑफर दिए जा रहे हैं, लगातार उनको ऑफर मिल रहे हैं, इससे लगता है कि बहुत जल्दी नीतीश बाबू का मन डोल जाएगा और नीतीश बाबू बिहार में एनडीए की सरकार को गिरा देंगे। अगर एनडीए की सरकार गिरी तो पूरी तरीके से ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और 10 लाख युवाओं को पहली कलम से रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ गरीबों को पेंशन मिलेगा, गरीबों को वेतन मिलेगा और इससे काफी ज्यादा बिहार का हालत जो है वो सुधर सकेगा, ऐसी जहां मीडिया रिपोर्ट आ रही है। और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत जल्दी नए साल के खरवास के महीने के बीतने के बाद में जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। थोड़े दिन और ज्यादा बर्दाश्त करना होगा, यानी नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ लगातार बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अब आरजेडी और जेडीयू एक साथ आकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकती है, जी हां नामो निशान खत्म किया जा सकता है और इसको लेकर बेहद बड़ी खबर है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में अलग अलग इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंड ने इस बार रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, जी हां टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है और कई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल से सटे हुए उछले इलाकों पर भारी बर्फबारी पड़ने लगी है और बिहार के मौसम टेम्परेचर का हाल भी बता देते हैं, जो पटना का टेम्परेचर 13 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक फ्लक्चुएट करता रहा, वहीं गया का टेम्परेचर 14 डिग्री तक रहा, सिवान गोपालगंज का टेम्परेचर 16 डिग्री 15 डिग्री तक रहा और मुजफ्फरपुर में जहरीली हवा प्रवेश कर चुकी है और वातावरण बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है, जिसके बाद में वहां का टेम्परेचर 15 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वो घरों के अंदर बने रहें और साथ ही साथ मास्कों का इस्तेमाल जरूर करें। वो आज की बेहद बड़ी खबर, किसानों को केजरीवाल ने बरगाया, किसानों के लिए नए वाईफाई और फ्री वाईफाई का सुविधा उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद में जी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और किसान भी कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है जो केजरीवाल को करना है और केजरीवाल आज तक कभी भी या किसानों की मांगों के ऊपर कोई बड़ा ध्यान नहीं दिए हैं। आज उनकी आंखों से आंसू किसानों को लेकर क्यों दरस आ रही है?
चाहिए। क्या आप राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं? क्या वो भी किसानों की राजनीति को करना चाहते हैं? हालांकि यह किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी को भी अपने साथ नहीं लाएंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और किसी राजनीतिक पार्टियों को अपना लड़ाई लड़ने के लिए नहीं देंगे, किसी को अपना चेहरा चमकाने के लिए और सियासी दल बनने के लिए नहीं देंगे, बिल्कुल सियासत नहीं होने देंगे, शांतिपूर्ण अपनी रैली और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करेंगे। केंद्र अगर चाहे तो इन सभी कानूनों को रद्द कर जल्दी से जल्दी हमें अपने घर को लौटने के लिए बोल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।